नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना अंतर्गत रोजाना अवैध रूप से वाहनों में ठूस ठूस कर पशुओं को ले जाया जा रहा था। इस तरह के वाहन रोजाना निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन चुप बैठा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को शाम के समय जब ग्राम के हर मार्ग पर संघ का पथ संचालन निकल रहा था, ठीक उसके कुछ घंटों बाद धार जिले से नानपुर चेक पोस्ट फाटा से निकलते हुए नानपुर थाने के सामने से भी एक पिकअप ने 12 से अधिक पशु भरे हुए थे। एक नहीं, तीन तीन वाहनों में एक साथ पशुओं को भरकर ले जाया जा रहा था। यह वाहन पशुओं को भरकर सहज गांव होते हुए बालपुर से नर्मदा के ककराना नदी से महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में कत्लखानों में ले जाए जाते हैं। इसके पूर्व कुछ दिन पहले नानपुर थाना प्रभारी नेपाल सिंह ने ऐसे वाहनों पर तेज गति से ले जाते हुए पीछा कर एक पिकअप को पकड़ा था, जिसमें थाना प्रभारी ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया था कि धार जिले के ढहीम की पिकअप थी, जिसमें एक पिकअप में 13 से ज्यादा पशुओं को ऊपर नीचे पटक कर बांध कर रखा हुआ था। कार्यवाही के कुछ दिनों बाद ही पिकअप व जानवरों को न्यायालय से देने का आदेश ले जाया गया था। वहीं हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी से मांग की है कि ऐसे वाहनों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, वाहनों को राजसात करें, ऐसे व्यापारियों का जुलूस भी निकालें और गौ हत्या का मामला भी दर्ज किया जाए। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो जितेंद्र वाणी की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ से।